हेलो हेलो हेलो, वेलकम टू लवली किचन। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आज बहुत ही प्यारी सी सुंदर सी मेरी फेवरेट वाली डिश बनाने वाली हूँ, जो कि बहुत ही मज़ेदार है। आपको लगेगा बहुत सारी सब्जियाँ, लेकिन थोड़ी 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 सारी हल्दी वाली चीज़ें हैं। आपको बताने का मतलब सिर्फ ये है जो मैं वीडियो बनाती हूँ कि आपको हेल्दी खाना है, किसी भी चीज़ को छोड़ना नहीं है। पहली बात तो कोई चीज़ वेस्ट नहीं करनी है, हमको सब कुछ खा लेना है, क्योंकि भगवान ने बहुत मुश्किल से हमारे लिए कुदरत ये चीज़ें हमको देती है। किसान बहुत मुश्किल से बनाते हैं, कुछ भी वेस्ट नहीं करना है और हेल्दी चीज़ों को तो बिल्कुल नहीं करना है। तो आज जो मैं आपको बताने वाली हूँ छोटी छोटी सब्जियाँ, स्प्राउट, मूंग दाल, शिमला मिर्ची, थोड़ी सी ब्रोकली भी। तो बेसिकली क्या है कि मैंने पराठे बनाए, तो मेरी ब्रोकली का मैं पराठा खाती हूँ, तो ब्रोकली थोड़ी बची थी, थोड़ी मेथी रखी थी, थोड़े से स्प्राउट थे। ऐसी जब भी सब्जियाँ होती हैं हेल्दी वाली, तो उनकी मैं सब्जी बना लेती हूँ, ग्रीन भुर्जी जैसी बन जाती है बिना पानी के, झटपट पटाफट। छोटी छोटी चीज़ें उसमें डालती हूँ, लहसुन की सावट डालती हूँ। तो चलिए पहले देख लेते हैं मैंने क्या क्या लिया, कैसे बनाना है, और बनाऊंगी मैं मिट्टी के बर्तन में झटपट पटाफट। पूरा एंड तक वीडियो देखा कीजिए, क्योंकि मैं उसमें आज आपको बताने वाली हूँ खाने के बाद टेस्ट भी पहली बार कि कैसी मेरी बनी है मेरी फेवरेट सब्जी। आपको कोई भी चीज़ों को वेस्ट नहीं करना है, झटपट बना के उसको हेल्दी वे से खा लेना है। तो चलिए फटाफट देखते हैं कैसे बनानी है। जल्दी जल्दी झटपट सीखते हैं। मिट्टी के बर्तन में बनाने हैं, ब्लैक कलर के बर्तन में। ये मैंने डाला है सरसों का तेल, जो कि गर्म हो रहा है। बहुत ही प्यारी सी डिश बनाऊंगी, जो कि मैं हमेशा ऐसे बना के खाती हूँ, दिखाती हूँ क्या क्या डालूंगी। ये देखिए, ये थोड़े से स्प्राउट, रेड और येलो, ग्रीन, शिमला छोटी छोटी कटी, ये साबुत लहसुन टुकड़ी, हरी मिर्ची के थोड़ा सा अदरक। अब ये मेरे पास ब्रोकली को पराठे बनाए थे, ब्रोकली को घस के रखा था, वो बचा हुआ है मेरे पास। तो सब मिला के बन जाएंगे बहुत ही आइटम ऐसे, जो कि हेल्दी वाले हैं और बहुत ही टेस्टी सब्जी बनेंगी। और ये थोड़ी सी मेथी कटी, और थोड़ा सा डालूंगी इसमें कलौंजी, थोड़ा जीरा, थोड़ी थोड़ी हल्दी मिर्ची डाल के, ब्लैक पेपर डाल के, बहुत ही प्यारी वाली डिश बनेगी मेरी ये सब्जी। चलिए चलिए सीखते हैं जल्दी से कैसे बनाते हैं। चलिए शुरू करते हैं बनाना। सबसे पहले डालूंगी मैं इसमें, तेल गर्म हो गया है, सरसों के तेल में ही बनानी है, बहुत टेस्टी बनती है कलौंजी। गर्म हो गया है, सबसे पहले डालूंगी मैं कलौंजी। अभी डालूंगी इसमें जीरा, अब डाल दूंगी अपने में साबुत लहसुन, हरी मिर्ची और मेरा अदरक, साबुत लहसुन का ना बहुत ही प्यारा टेस्ट आता है, कभी आप डाल के देखिए। थोड़ा सा हल्का सा ब्राउन करेंगे, प्याज और कुछ नहीं डालूंगी, टमाटर भी नहीं डालूंगी। थोड़ा सा लहसुन का कलर चेंज होगा, हम डाल देंगे इसमें अपनी सब्जियां। अब इसमें साथ में डाल देती हूँ नमक भी, मैं नमक साथ में डाल देती हूँ। देखिए सब्जी कम है, इसमें बिल्कुल थोड़ा सा लूंगी। अब डाल दूंगी अपने स्प्राउट, क्योंकि स्प्राउट बॉयल नहीं है, ऐसे भीगे हुए कच्चे हैं, थोड़ा सा लहसुन के साथ ही ये पक जाएंगे, थोड़े से क्रंची भी रहेंगे तो भी अच्छा लगेगा, बहुत ही प्यारी खुशबू आने लगी है। थोड़े से मेरे स्प्राउट भी पक गए, थोड़े से लहसुन भी मेरे हो गए। अब मैं इसमें डालने वाली हींग भी, देखिए थोड़ी सी डालूंगी हल्दी, थोड़ी सी डालूंगी रेड चिली, बहुत कम डालूंगी, थोड़ी सी ब्लैक पेपर, देखिए एकदम थोड़ा थोड़ा डाल दूं। कर देंगे गैस स्लो। अब हम डाल देंगे अपनी शिमला, और जो ये ग्रीन जो हमारा रेड येलो जो भी आपके पास में सब डाल सकते हैं, मटर भी डाल सकते हैं, बट बहुत ही हेल्दी वाली सब्जी बनती है, झटपट 5 मिनट में बनती है, क्योंकि शिमला मिर्ची को थोड़ा सा क्रंची रखेंगे खाने में मज़ा आएगा। अब डाल देंगे अपनी मेथी भी साथ में, देखिए पूरी मेथी भी डाल दी,
अब देखो कितना हेल्दी वाली डिश बनेगी। कभी भी आपके पास में घर पे ऐसे सब्जियां बची हैं तो उनको खुद ही सर्व किया कीजिए, मैं तो ऐसे ही करती हूँ। देखो अब ये खाने में इतनी मज़ेदार बनेगी, विद इन 5 मिनट में बन जाएगी। देखो सब्जी अब डाल देंगे अपनी ब्रोकली भी जो घस के रखी है ना, इसको भी साथ में अच्छे से करेंगे इसको मिक्स। इसमें हमने पानी बिल्कुल नहीं डालना, एकदम सूखी एकदम क्रिस्पी बनानी है। लेकिन जो हमने मसाले डाले हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाए, ताकि 2 बूंद पानी डालूंगी। देखिए 1 चम्मच, इससे ज़्यादा पानी डालेंगे तो सब्ज़ी एकदम ख़राब हो जाएगी। बस 5 मिनट के लिए बस इसको ढकेंगे और एकदम भुर्जी जैसी सब्ज़ी बन जाएगी, जिसको आप ग्रीन भुर्जी भी बोल सकते हैं। मेथी और ब्रोकली के साथ कितनी हेल्दी है, इसमें आपको दुनिया के जो भी विटामिन सब मिनरल्स विटामिन जो भी इंग्लिश भाषा में फ़ायदे होते हैं सब मिलने वाले हैं ये खाते। अब चम्मच से प्लेट में डाल के इसको खाइए, रोटी के साथ भी खा सकते हैं कैसे भी, बट बहुत टेस्टी बनती है। 5 मिनट के ढकूंगी और मेरी सब्जी झटपट वाली रेडी। देखिए कितना प्यारा कलर, सुंदर कलर हो गई मेरी सब्जी रेडी। अब इसको कर देंगे गैस बंद। अब मैं इसको करती हूँ बाउल में, देखिए कितना सुंदर प्यारा कलर। ऐसी हेल्दी वाली चीज़ें बना के खाया कीजिए, बहुत ही टेस्टी लगी, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस सब्जी को। अब मैं करती हूँ इसको बाउल। ये मैंने सिर्फ अपने लिए बनाई है, 1 पर्सन के लिए। तब इसमें मोटा मोटा लहसुन आपके मुंह में आएगा खा के तो कुछ अलग ही मज़ा आता है। मेरे को ऐसे साबुत लहसुन बहुत पसंद है, मैं ऐसे खाती हूँ। देखिए मेरा प्यारा सा सुंदर सा बाउल रेडी। अब मैं इसको जल्दी से खाऊंगी, झटपट फटाफट खाऊंगी और आपको फिर मैं खाने के बाद टेस्ट करके भी बताऊंगी। बनाते रहिए, खाते रहिए मस्त हेल्दी वाले खाने। अब मैं टेस्ट करके आपको रिव्यू दूंगी आज मैं कैसा है मेरी ये प्यारी वाली डिश, मैं खा के बताती हूँ आपको। मेरी जो ये भुर्जी बनी है ना, नंबर 1, इसको 100 में से 100 मार्क्स मैंने दिए। आप भी बना के देखिए, भले स्पेशल ये वाली सब्जियाँ डालिए, बनाइए, बहुत ही टेस्टी बनेगी। और जब साबुत लहसुन आता ना उसके अंदर तो सुभान अल्लाह हो जाता, बहुत ही टेस्टी लगता है। आप थैंक यू बोलेंगे कि लवली किचन मैडम ने हमको क्या डिश सिखा दी है। देखिए एकदम सूखी होती है सब्जी, देखिए एकदम ड्राई हो जाती है, पानी बिल्कुल नहीं डालना, लेकिन बहुत ही टेस्टी लगती है। जब मुँह में आप खाते हो ना, इसका जो करेंसी फील आता ना, तो आप जब भी घर पे बनाएंगे ऐसी वाली इतनी चीज़ें रेडी कीजिए, फिर बनाइए खाइए, फिर मुझे कमेंट्स में करके ज़रूर बताया कीजिए। क्योंकि जब तक कमेंट्स नहीं करेंगे मुझे नहीं पता लगेगा कि मेरी डिश आपको कैसी लगी है। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, खुश रहिए, मस्त रहिए, हेल्दी रहिए और प्यारे प्यारे खाने सीखते जाइए। बाय बाय।